3, 2, 1. खूबसूरत अनासागर झील प्रवासी पक्षियों की अटखेलियों से बनी और मनोरम सर्द मौसम और झील की नम भूमि के साथ भोजन की प्रचुरता करती है विदेशी पक्षियों को आकर्षित। अजमेर की मनोरम अनासागर झील में प्रवासी पक्षियों का कलरव झील की सुंदरता को और दर्शनीय बनाकर पर्यटकों और शहरवासियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। सर्दी के मौसम में अनासागर झील में व्हाइट पेलिकन्स, लार्ज इगट, कार्मोरेंट और अन्य विदेशी पक्षी पहुंचे हुए हैं। पूरे प्रदेश में अनासागर झील प्रवासी पक्षियों के लिए सबसे पसंदीदा स्थान बनी हुई है। नवंबर से फरवरी मार्च के बीच सर्द मौसम और झील की नम भूमि के साथ पानी में भोजन की प्रचुरता इन्हें यहाँ अपनी ओर आकर्षित करती है। अनासागर चौपाटी पाथवे पुष्कर रोड पुरानी विश्राम स्थली के आसपास व्हाइट पेलिकन्स, कार्मोरेंट और लार्ज इगट बहुतायत में दिखाई दे रहे हैं। यह सुदूर प्रांतों से भारत में आते हैं। इसी तरह कार्मोरेंट भी झील में पहुंची हुई है। यह मंगोलिया और आसपास के इलाकों से होकर अजमेर पहुंचते हैं। गुरुवार को इन विदेशी पक्षियों की अटखेलियों को देखकर हर कोई इनकी ओर आकर्षित होने लगा। आप भी देखिए झील में किस तरह से विदेशी परिंदे अपनी अटखेलियां करते हुए आपको भी आमंत्रित कर रहे हैं। नज़ारा काफ़ी अच्छा लगा कि सारे पक्षी एक साथ जब अनासागर की में आए और अलग अलग तरह की हमें मस्तियाँ करी तो पक्षी काफ़ी अच्छा नज़ारा लग रहा था। काफ़ी संख्या में हमें पक्षी हो चुके थे। पूरे अनासागर में पक्षियों ने अनासागर को घेर रखा था। वो एक साथ पानी में उड़ते, पूरे एक साथ पानी में बैठते तो काफ़ी अच्छा नज़ारा लग रहा था। वो एक के पीछे एक लाइन से पक्षी चलते हैं तो काफ़ी अच्छा नज़ारा लगता है। ये पक्षी काफ़ी संख्या में अब की बार यहाँ पर आए तो सर्दी भी काफ़ी तेज़ है। आज सुबह जब हम यहाँ पर घूमने आए तो यहाँ पर नज़ारा देखा, काफ़ी अच्छा नज़ारा लग रहा था। हम लोगों ने भी यहाँ पर फोटो शूट्स वगैरह करे, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग करी ताकि हम ये याद कैमरे में कैद करी है। किस तरह की हरकतें कर रहे थे आज पक्षी? काफ़ी अच्छा नज़ारा लग रहा था कि पूरे एक साथ पानी में बैठते हैं, पूरे एक साथ उड़ते हैं, पूरे अनासागर में अलग अलग तरीके की मटखेलियाँ करते हैं तो काफ़ी अच्छा नज़ारा लग रहा था। सर्दी में आते हैं, काफ़ी संख्या में पक्षी आते हैं, लेकिन अब क्या पक्षी की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। सारे पक्षी एक साथ थे, पूरे अनासागर को उन्होंने घेर रखा था तो काफ़ी अच्छा नज़ारा लग रहा था आज सुबह। सिविल लाइंस थाने में 8 दिसंबर को दर्ज हुए देह शोषण के मुकदमे में आरोपी गिरफ्तार। आईपीसी की धारा 376 में मुलजिम लोहाखान निवासी रफीक पुत्र शफीक मोहम्मद चढ़ा पुलिस के हत्थे। सिविल लाइंस थाना प्रभारी अरविंद सिंह चारण ने बताया कि 8 दिसंबर को थाना इलाके में रहने वाली पीड़िता ने अपने पड़ोसी युवक पर जबरन दबाव बनाकर देह शोषण करने का एक मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़िता द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट पर तफ्तीश करते हुए आज आरोपी लोहाखान निवासी रफीक पुत्र शफीक मोहम्मद को आईपीसी की धारा 376 में गिरफ्तार कर थाने लाया गया है, जिसे अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सीओ नॉर्थ छवि शर्मा के निर्देशन में उनके नेतृत्व में गठित टीम ने तलाश करते हुए आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी प्राप्त की है। आरोपी रफीक पीड़िता के पड़ोस का रहने वाला है, जो उसको धमका कर जबरन उसका देह शोषण कर रहा था। क्या घटना हुई, किसको गिरफ्तार किया? दिनांक 8/12 को मेरे थाना सिविल लाइन में एक पीड़िता ने रिपोर्ट दी कि उसके खिलाफ एक व्यक्ति है जो देह शोषण कर रहा है, जिस पे यहाँ पे थाना जहाँ पे मुकदमा दर्ज किया गया। आज उस मुकदमे में मुलजिम रफीक पुत्र सकूर मोहम्मद जो लोहा खान का निवासी है, उसे इस मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। ये इस पीड़िता से लगातार प्रेशर बना के इसे शारीरिक संबंध बनाए थे, इसलिए इसको 376 में गिरफ्तार किया गया। अभी इसे न्यायालय पेश किया जाएगा।
नहीं, आमने सामने पड़ोसी थे, महिला ऑलरेडी शादीशुदा थी, लेकिन ये उससे प्रेशर करके धमकियां दे के उससे शारीरिक संबंध बनाए। किस चीज़ की धमकियां सामने आए? ऐसा कुछ अभी ऐसा सामने नहीं होता। लापरवाह डंपर चालक की करतूत से रिटायर्ड फौजी हुआ घायल। पुष्कर घाटी में बालाजी मंदिर के मोड़ पर बजरी से भरे डंपर ने महिंद्रा कार को मारी टक्कर, कार पलटी। पुष्कर घाटी में बालाजी के मंदिर मोड़ पर बजरी से भरे डंपर ने सामने से आ रहे रिटायर्ड फौजी की कार को टक्कर मार दी, जिससे कार पलटी खा गई और उसमें सवार रिटायर्ड फौजी घायल हो गया। जानकारी के अनुसार गनाहेड़ा निवासी पूर्व फौजी श्रवण सिंह रावत अपनी कार से पुष्कर से अजमेर की ओर जा रहे थे। अचानक अजमेर से पुष्कर की ओर आ रहा बजरी का डंपर अनियंत्रित होकर पहले दीवार से टकराया। इस बीच रिटायर्ड फौजी रावत ने डंपर से बचने के लिए अपनी गाड़ी को सड़क के नीचे उतार लिया। बावजूद इसके डंपर चालक ने लापरवाही पूर्वक फौजी की गाड़ी को टक्कर मारकर मौके से फरार हो गया। घायल फौजी को रास्ते से निकल रहे एक कार चालक ने गाड़ी से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। घटना में रिटायर्ड फौजी रावत के शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं और गाड़ी भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। सूचना पर पुष्कर पुलिस के SI अमरचंद गौरा जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे। घायल रिटायर्ड फौजी को इलाज के लिए अजमेर के जेल अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने अज्ञात डंपर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आज सुबह जरिए टेलीफोन से मिली कि पुष्कर घाटी में एक गाड़ी पलटी खा गई, जिसमें श्रवण सिंह नाम का व्यक्ति जो एक्स आर्मी है, उसके शरीर पर काफ़ी चोटें आई हैं। इस संबंध में मौके पर जाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तो लोगों ने बताया कि एक डंपर चालक द्वारा लापरवाही से वाहन चलाकर उक्त गाड़ी चालक श्रवण सिंह के टक्कर मार दी, जिससे गाड़ी पलटी खा गई। पलटी खाने से उसके शरीर पर चोटें आई हैं। थाने पर अभी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं, रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मैं यहाँ से पुष्कर से अजमेर की तरफ जा रहा था। बालाजी के आगे चढ़ाई में मोड़ के पास में गया, डंपर बैक कंट्रोल होके आ रहा था, दीवार में टक्कर मारी उसने। मैंने रोड से नीचे उतार ली गाड़ी, फिर आके उसने ड्राइवर साइड में एकदम धड़ाम से मार दिया। गाड़ी पलटी होगी, नीचे गई गाड़ी, और उसके सेकेंड सीट पर जो बैठा हुआ था उसने बोला कि तो मर गया, वो गाड़ी को बैग लेके भगा लिया उसने। फिर मैं गाड़ी का आग छूट गया शीशे वगैरह, तब मैंने घुटना टेक के जब बाहर निकला 800 वाला आ रहा था, मैंने उसको इशारा किया, वो आया भाग के मेरे पास में। मैंने कहा यार इस बाजू में मेरे चोट लगी हुई है, इस बाजू को थोड़ा पकड़ मेरे ऊपर खींच, तब मेरे को बाहर निकाला। फिर मैंने घर पर इंफॉर्मेशन की। आपने मुकदमा दर्ज करवा दिया क्या? हाँ, पुलिस आगे मुकदमा दर्ज करवा दिया। केंद्रीय कारागृह के बाद अब हाई सिक्योरिटी जेल में भी मिला मोबाइल। हाई सिक्योरिटी जेल के सुरक्षा प्रहरी खेतपाल सिंह ने सिविल लाइन्स थाने में दर्ज कराया अज्ञात के खिलाफ मुकदमा। पिछले कुछ दिनों से केंद्रीय कारागृह में लगातार चलाए जा रहे तलाशी अभियान के दौरान मोबाइल सहित अन्य आपत्तिजनक वस्तुओं की खेप मिलती जा रही थी। इसी बीच जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा के निर्देश पर हाई सिक्योरिटी जेल में पिछली रात चलाए गए सर्च अभियान के दौरान तलाशी में बैरक नंबर 4 के पास फर्श के नीचे दबा एक मोबाइल, एक डाटा केबल और एक चार्जर बरामद हुआ, जिसे मोजों में छुपाकर रखा गया था। उच्च सुरक्षा कारागृह के सुरक्षा प्रहरी खेतपाल सिंह ने बुधवार को सिविल लाइन्स थाने में इस बाबत एक मुकदमा दर्ज कराया। थाने के हेड कांस्टेबल जितेंद्र सिंह ने बताया कि सुरक्षा प्रहरी खेतपाल सिंह की रिपोर्ट पर मुकदमा नंबर 408/2021 IPC की धारा 42 कारागृह अधिनियम के तहत दर्ज कर अनुसंधान थाने के ASI सुवालाल द्वारा किया जा रहा है। 29/12/2021 को श्री खेतपाल सिंह प्रेरी नंबर 3598 उच्च सुरक्षा कारागृह अजमेर ने उपस्थित थाना होकर कारापाल उच्च सुरक्षा गृह अजमेर के तख्तशुदा रिपोर्ट पेश की कि दिनांक 29/12/2021 को हाई सिक्योरिटी जेल में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार जेल की आरक्षी दल के द्वारा तलाशी ली गई। तलाशी में एक मोबाइल रेडमी कंपनी का काले रंग के मोजे में लिपटा हुआ एक चार्जर, एक डाटा केबल वायर मिले। वार्ड नंबर 1 के ब्लॉक नंबर 4 की कक्ष नंबर 4 के गेट के समीप बाईं तरफ फर्श की टाइल में गड़े हुए मिले। इस पर मुकदमा नंबर 408/2021 धारा 42 कारागृह अधिनियम में दर्ज किया गया। अनुसंधान ASI श्री सोलाल जी के जिम्मे किया गया।
मुंबई के जायरीन परिवार के साथ रेजिडेंट्स डॉक्टर्स ने की बकसलूकी। देर रात पुलिस थाने में एसोसिएशन के हस्तक्षेप के बाद माफीनामे के साथ हुआ मामला खत्म। संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के शिशु रोग विभाग में बुधवार शाम मुंबई से आए जायरीन परिवार के साथ ड्यूटी पर मौजूद रेजिडेंट डॉक्टर मोहम्मद अफजल ने बदसलूकी की और अभद्रता की, जिसके बाद मामला तूल पकड़ गया और सदर कोतवाली थाना पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा, जिसके बाद जायरीन परिवार की सादिया रफ़ी ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के डॉक्टर अभिषेक बेंदा और अन्य चिकित्सकों के थाने पहुंचने के बाद मामला आपसी समझाइश और माफीनामे के साथ खत्म कर दिया गया। दरअसल मुंबई निवासी मोहम्मद रफ़ी शेख अपनी पत्नी सादिया रफ़ी और अपने परिवार के साथ जियारत के लिए दिल्ली से सुबह अजमेर पहुँचे थे। इस बीच उनकी 2.5 साल की बेटी रायशा की तबीयत बिगड़ गई, जिसे लेकर वे 11 बजे जेलन अस्पताल के शिशु रोग विभाग पहुंचे, जहां उनकी बच्ची को भर्ती कर लिया गया। शुरू में डॉक्टर नीलू ने बच्ची रायशा का परीक्षण कर उसे दवाइयां दी। उसके बाद शाम 4 बजे तक किसी भी डॉक्टर ने उसे नहीं देखा। शाम को रायशा पानी मांगने लगी तो उन्होंने ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर मोहम्मद अफजल को इस बात की जानकारी दी और उनसे बात करना चाहा। इस दौरान वे उखड़ गए और उनकी भाभी को धक्का मारकर धकेल दिया। इसके बाद उनके पति गए तो उनके साथ बदतमीजी की और लगभग हर परिवार के सदस्य के साथ उन्होंने बदसलूकी और अभद्रता करते हुए मारपीट तक कर डाली। आरोपी डॉक्टर ने ड्यूटी पर मौजूद सुरक्षा जवान की मौजूदगी में उन्हें थप्पड़ जड़ दिया। सादिया रफ़ी ने बताया कि वह पढ़ी लिखी और परिवार साधन संपन्न है, इसलिए वे चाहती हैं कि इस मामले में उन्हें न्याय मिले, ताकि किसी और के साथ इतने पढ़े लिखे सभ्य डॉक्टर फिर से ऐसी बदसलूकी और अभद्रता ना कर सकें। जी सर, मैं ना पहले मुंबई से हूँ, मैं आगरा आई हुई थी, आगरा से दिल्ली आई और सुबह ही मैं 6 बजे अजमेर शरीफ उतरी हूँ। तकरीबन कुछ 10 बजे के करीब मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो 10:30-11 बजे के करीब मैंने उसको जेएलएन हॉस्पिटल लेके गई थी। 11 बजे एक लेडी डॉक्टर थी, आई गेस उनका नाम नीलू था, उन्होंने अटेंड किया। उसके बाद से 4:30 बजे तक कोई डॉक्टर या कोई कार्रवाई करने के लिए नहीं आया। जब मेरी बच्ची रो रही थी, आधा घंटा हो चुका था, तो हमने अफजल का जो डॉक्टर हैं मोहम्मद अफजल, उनसे पूछने के लिए कहा गए मेरी भाभी, तो उनको धक्का मार के बाहर निकाल दिया गया कि इनको बाहर भिजवाओ। फिर मेरे हस्बैंड गए पूछने के लिए, तो उन्होंने कहा कि कोई नंबर होता है JR वहाँ पे जाके, तो वो बंद था। फिर उन्होंने कहा कि बंद है, अब मैं क्या करूँ, हमारी बच्ची रो रही है, पानी दे सकते हैं क्या, क्योंकि मेरी बच्ची सिर्फ 2.5 साल की है। तो उन्होंने कहा क्या कि यहाँ से जेलो निकलो यहाँ से। तो हमने कहा कि हमें हॉस्पिटल चेंज करना है, क्योंकि मेरे हस्बैंड एक प्राइवेट MNC में काम करते हैं, सो ही इज़ हैविंग द ऑल फैसिलिटीज़ टू टेक हर टू अ प्राइवेट हॉस्पिटल। तो इस तरीके से ये हुआ कि वो डॉक्टर ने क्या किया कि वापस से पूछने गए, तो उन्होंने BP चेक करने का मशीन उठाया और मेरे हस्बैंड की तरफ आए, तो मेरे हस्बैंड भागे, तो उन्होंने मेरे भाई को थप्पड़ मारा, फिर मेरी भाभी को मारा, और फिर उसके बाद मेरी मम्मी को पुश किया। उसके बाद हम दोनों पे हाथ उठा के हम दोनों को एक रूम में डाल के रूम को लॉक कर दिया मेरी बच्ची के साथ, और ये कहा गया कि मैं देखता हूँ पूरी राजस्थान में कब कैसे इलाज होता है और इनको बाहर निकालना नहीं। फिर हम वहाँ से कैसे भी बैग निकालने के चक्कर में बाहर से मेरी भाभी ने दरवाज़ा खोला, हम वहाँ से चिल्लाते हुए भागे बाहर और वहाँ पे चिल्लाने लगे मदद करो, हेल्प हेल्प, बचाओ पुलिस। इतने में वहाँ के गार्ड्स वगैरह आए, तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ, फिर आपके ऑफिसर्स वहाँ आए, CI सर आए, तो उन्होंने उनको सब वाकया बयान किया, हमने सब बताया। तो उन्होंने कहा कि हमारा सामान अंदर रह गया था, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप जाइए सामान ले लीजिए अंदर, हमारा एक गार्ड आपके साथ है। आपके गार्ड के साथ हमने गया कि उन्होंने कहा कि आपके ऑफिसर जो, उन्होंने कहा वो कुछ नहीं करेगा, लेकिन वो बंदे ने इतना किया कि जैसे मैं मेरे हस्बैंड के साथ गई, मेरे हस्बैंड को फिर से उन्होंने थप्पड़ मारा, और मैंने कहा कि देखो, फिर गंदी गाली भी दी उसने, एज ही इज़ अ डॉक्टर, आई डोंट नो हाउ ही इज़ बिकेम अ डॉक्टर, उन्होंने गाली भी दिया, और फिर कहा कि मैं देखता हूँ अब तुम क्या करते। फिर हम भागते हुए बाहर आए, फिर हम वापस आपके ऑफिस को लेके अंदर गए, सिर्फ मैं गई, मैंने हस्बैंड को बोला आप मत आइए, पता नहीं इस बार वो क्या करेगा। फिर मैं गई अंदर, मेरा सामान लेके वापस आई, और मैं यहाँ पे पुलिस स्टेशन आके कंप्लेन किया है मैंने, एंड आई वॉन्ट जस्टिस रिगार्डिंग दिस, कि मेरे साथ जो हुआ है वो किसी और के साथ ना हो, दैट्स इट। मैं लिटरेटेड हूँ, मैंने ये कोई कदम उठाया, मुझे जस्टिस की उम्मीद है, तो इंशाल्लाह आई होप मेरी तरह और कोई सफ़र ना करे, जिसके पास पैसे हो या कुछ ना हो, वो जिस तरीके से सफ़र करे और कोई सफ़र ना करे। गौरतलब है कि अस्पताल में मरीज के परिजनों द्वारा छोटी सी बात में ही अपना आपा खो देने वाले रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ जब कोई मारपीट या अभद्रता की घटना होती है, तो वे एकजुट होकर हड़ताल पर उतर जाते हैं और पूरे प्रशासन और सरकार पर कार्य बहिष्कार का दबाव तक बना देते हैं, लेकिन जब खुद की गलती होती है तो माफ़ी मांगकर मामले को निपटाने की कोशिश की जाती है।